हुकूमत ने खुद कुछ किया नहीं, हमें कह दिया कि अदालतें बंद कर दो। अदालतें बंद नहीं होंगी, अदालतें बंद नहीं होंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार हुकूमत और पीआईए को ठहरा दिया। अदालत उस्मानी एयर मार्शल तैनाती केस में अरशद मलिक को बुरी तौर पर फराइज सर अंजाम देने की इजाजत देते हुए समाअत एक माह के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक की तैनाती की इस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत ने कोरोना से मुतालिक कोई इकदाम नहीं किया और हमें कह दिया कि अदालत ये काम रोक दें। हालत जंग में भी अदालत बंद नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क देते हुए कहा कि कोरोना वायरस हुकूमत और पीआईए की नाअहली की वजह से बैरून मुल्क से आया। कर्नतीना में जाकर देखें कितने अबतर हालात हैं। क्या मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज है? उन्होंने मजीद कहा कि पीआईए लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक को फराइज जारी रखने की इजाजत देते हुए आइंदा समाअत पर पीआईए के सीबीए यूनियन के अहदेदारों को तलब कर लिया। केस की समाअत एक माह तक मुलतवी कर दी गई।